हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी लोग फिशमैन आइलैंड में इलीगल तरीके से एंट्री मारते हैं और ये क्या होते हैं दोस्तों, ग्रुप में डिवाइड्स हो जाते हैं। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नामी से। नामी एक किनारे पे पहुंच जाती है। अब नामी क्या करती है, अपने कपड़े पहन रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि पानी से कोई चीज उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। तभी पानी से बाहर निकलता है फ्रेंकी और उसके साथ होती है निको रोबिन। इसके बाद नामी, फ्रेंकी और निको रोबिन एक विलेज की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो सांजी होता है वो मरमेड के साथ खेल रहा होता है पानी में। भाई उसको तो एकदम ऐसे लग रहा होता है जैसे उसको जन्नत मिल गई हो। ये देख के उसोप, लूफी और चॉपर बहुत खुश होते हैं कि सांजी अब ठीक हो चुका है। अब दोस्तों क्या होता है, लूफी कैमी से एक सवाल पूछता है कि यहाँ पे मैं एक इंसान से मिलना चाहता हूँ और उसका नाम है जिनबे। तो जैसे ही ये नाम कैमी सुनती है तो लूफी बोलता है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हीं ने मुझे संभाला था। तो अब क्या होता है, कैमी बोलती है कि तुम उनसे नहीं मिल सकते हो क्योंकि वो इस आइलैंड में नहीं रहते हैं। और ना रहने की वजह ये होती है दोस्तों कि उन्होंने सिचिबुकाई बनने से क्विट कर दिया है और जितने भी फिशमैन पायरेट्स के जितने भी मेंबर्स थे वो इस आइलैंड में नहीं रह सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हो जाती है रेड। जैसे ही वहां पे रेड पड़ती है तो कैमी लूफी लोगों को छुपा लेती है और जो कैमी की फ्रेंड होती है वो सांजी को छुपा लेती है। लेकिन गलती से सांजी बहुत अजीब जगह पे छुप जाता है जिसके उसे जन्नत और भयंकर तरीके से महसूस होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि रेड करने के लिए आए होते हैं प्रिंस, फिशमैन आइलैंड के प्रिंस आए होते हैं रेड मारने के लिए। और वो तीन भाई होते हैं, एक बहन, चार जने होते हैं लेकिन तीन भाई आए होते हैं। उनके नाम होते हैं फूका बोशी, रियो बोशी और मान बोशी। ये तीन भाई होते हैं। तो ये मरमेड जो वहाँ पे मरमेड्स होती हैं उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने लूफी लोगों को देखा है, तो वो बोलती हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लूफी नाम का तो यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो ये पूछ के उन्हें भरोसा होता है कि हाँ ये शायद मरमेड सही बोल रही हैं। तो वो भोले भी होते हैं सकल से, तो वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन सांजी को हो जाती है चरम सुख की प्राप्ति, उस पर रहा नहीं जा रहा होता है और वो अपने नाक से ऐसा खून का फव्वारा छोड़ता है कि अब उसकी हालत खराब हो जाती है एकदम से। तभी दोस्तों क्या होता है, जो प्रिंसेस होते हैं वो वापस लौट के आते हैं और लूफी लोगों को धर रहे होते हैं। अब लूफी बोलता है कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। जो चॉपर होता है बोलता है कि जो सांजी का ब्लड है वो है SRH-, अब ये ब्लड टाइप इनको चाहिए होता है। सांजी एकदम इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच जाता है। तभी वहां पे एंट्री होती है हेमोंड की। हेमोंड बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई खून नहीं देगा क्योंकि फिशमैन आइलैंड का एक नियम है कि कोई भी फिशमैन या मरमेड कोई भी इंसान को खून नहीं देगा, ये चौंको मत। इसके बाद हेमोंड बोलता है कि तुम चौंको मत, ये नियम तुम लोगों ने ही बनाया है। अगर तुम लोग फिशर टाइगर को ब्लड दे देते उस दिन तो वो भी आज जिंदा होते, यहाँ पे तुम्हें कोई भी खून नहीं देगा। इसके बाद हेमोंड बोलता है कि लूफी तुम मुझे ज्वाइन कर लो, वही फिर द्वारा वही प्रस्ताव रखा जाता है। इस बार लूफी क्या करता है, हेमोंड पे हमला कर देता है अपने सेकंड गियर में आके, तो वो हेमोंड और दूसरे हेमोंड को भी धो देता है। लेकिन दोस्तों जो तीसरा होता है जो ऑक्टोपस जैसा होता है वो उन दोनों को बचा लेता है। इधर दोस्तों कैमी क्या करती है, जिस वाहन पे प्रिंस लोग आए होते हैं उस वाहन को वो हाईजैक कर लेती है, उस पे चॉपर, उसोप, लूफी और सांजी को बैठाते हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब लूफी लोग सांजी को लिए ब्लड ढूंढना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, चॉपर फिशमैनों को ढूंढ निकालता है, तो अब क्या होता है कि सांजी को ब्लड देने वाले मिल जाते हैं। अब सांजी को होश आता है, सांजी लूफी का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हम लोग को दिखाया जाता है जो कैमी की फ्रेंड्स होती हैं वो लोग क्या करती हैं, एक बैरल को ढूंढ निकालती हैं। बैरल समझते हो ना, और वो बैरल कौन सी होती है, वो बैरल वही होती है जिसमें फ्रेंकी ने कारीबाव को कैद किया होता है और वो वही मरमेड लोग उस बैरल को खोलने वाली होती हैं। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि चॉपर लूफी से बोलता है कि लूफी मुझे अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, एक कट लगा होता है और वो ब्लड वाला होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हियोजो होता है उसने लूफी में बड़ी ही शानदार तरीके से छोटा सा कट दे दिया होता है, सेकंड गियर को मैच कर लेता है, थोड़ा सा न्यूनतम बिल्कुल मैच कर लेता है, जिस वजह से वो लूफी को एक खरोच देने में कामयाब होता है। अब क्या होता है, चॉपर बोलता है कि ये तुम्हें कट लगा, ये पॉइजन भी है लेकिन तुम अभी भी ठीक हो, क्या तुम पहले कहीं किसी बहुत भयंकर पॉइजन से टकरा गए थे क्या? अब वो याद करता है अपने इम्पेल डाउन वाले दिन, कैसे उसने मैगलन से भारी भरकम पॉइजन अपने ऊपर ले लिया होता है। चलो कोई नहीं, इसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है लूफी लोग वहां से निकल जाते हैं।
सांजी को ब्लड देने वाले होते हैं मीठे लोग। ये देख के सांजी एकदम हिल हिला जाता है, एकदम हिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, कैमी लेके जाती है इन लोगों को, मिलवाती है मैडम शार्ले से, जो क्या होती है, जो कि एक तरह से मान लो कैमी की बॉस होती है। अब कैमी उन्हें बताती है कि ये लूफी है, ये मतलब इन्होंने हमें बचाया। तो जो मैडम है शार्ली होती हैं, वो दोस्तों फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो कैमी बताती है कि इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि वाइट बियर्ड की बैटल, मतलब बैटल होने वाली है मरीन फोर्ड में, ये फलाना ढिमकाना ये सब होता है, वहाँ पर थोड़ी सी बातें होती हैं। तो लूफी की जो क्रिस्टल में इमेज होती है वो थोड़ी ब्लर बनती है। लेकिन इसके बाद लूफी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब कैमी उन्हें घुमा रही होती है पूरे फिशमैन आइलैंड में, बताती है कि ये हैं यहाँ पे हम लोग खाना पीना ये वो। फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है पेपैक से, और पेपैक के साथ होता है ब्रुक, क्योंकि पेपैक ने बचाया होता है ब्रुक को, और ब्रुक बड़े ही मजे कर रहा होता है। अब क्या होता है, पेपैक जो है इन्हें और आगे घुमाने के लिए ले जा रहा होता है, तो ये लोग एक टैक्सी बुक करते हैं। अब टैक्सी में दोस्तों क्या होता है, डेकन वांडर डेकन का वांटेड पोस्टर लगा होता है। तो ये देख के ब्रुक बोलता है कि इससे तो हमारा सामना हुआ था। तो वो लोग बोलते हैं कि ये नकली था, ये वो मतलब ये वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिशमैन आयरन में बिग मॉम का जो है फ्लैग दिखाया जाता है, जो कि है एक योंको है उसके बदले। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, फिशमैन आयरन को पहले प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं वाइट बियर्ड, लेकिन अब प्रोटेक्शन दे रही होती है बिग मॉम, लेकिन बदले में वो फिशमैन आइलैंड से बहुत सारी कैंडीज लेती है। अब शार्ले एक और प्रिडिक्शन करती हैं, और वो प्रिडिक्शन ये होती है कि जो मुगीवारा नो लूफी है, मतलब कि अपना लूफी फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा। अब दोस्तों हम लोगों को एक क्रू दिखाया जाता है जो कि न्यू फिशमैन पायरेट से भाग रहे होते हैं। उसके क्रू के कैप्टन का नाम होता है क्रैब हैंड गायरो। वो वहां से इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि दोस्तों जब उसने फिशमैन आइलैंड पर एंट्री मारी होती है तो उसके सामने भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो फिशमैन पायरेट को ज्वाइन कर ले या फिर अपनी जान दे दे। लेकिन उस टाइम उसने पायरेट को, उस क्रू को ज्वाइन करना सही समझा, लेकिन अब उसको जैसे ही मौका मिला वो वहां से भाग रहा था, और ये बात पता पड़ जाती है न्यू फिशमैन पायरेट के कैप्टन होडी जोन्स को। अब होडी जोन्स खड़ा होता है, उसके सामने दोस्तों एक कैप्सूल पड़ी होती है, वो चार कैप्सूल उठाता है अपने मुंह में भरता है, और भाई उसमें एक अलग सी ही पावर आ जाती है और वो उनके पीछे निकल जाता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट होते हैं, ये पहुंच जाते हैं पेपैक के घर पे। पेपैक दोस्तों फिशमैन आइलैंड में बहुत अमीर होता है, क्योंकि वो एक डिजाइनर होता है तो वो बहुत अमीर और बहुत फेमस होता है। लेकिन ये लोग उसके घर में जाने के बजाय एक स्टोर में पहुंच जाते हैं जो कि पेपैक की दुकान होती है, वहां पे नामी होती है, और पेपैक बोलता है कि जो चीज तुमने हम लोगों के साथ करी है ये तो कोई भी नहीं करेगा, तुम जो चाहते हो वो ले लो। भाई स्ट्रॉ हैट्स पूरी दुकान लूट लेते हैं। अब दोस्तों वहां पे स्ट्रॉ हैट्स से मिलने के लिए आते हैं समुद्र के देवता, समुद्र के भगवान नेपट्यून। नेपट्यून आते हैं इन्हें लेने के लिए कि तुमने मेरे बेटी के जो दोस्तों होता ना वाहन को तुमने बचाया है, तो मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूं, तुम लोग मेरे घर पे चलो, वहां पे तुम लोगों के लिए दावत है। अब फिर क्या था, लेकिन दोस्तों इज्जत के नाम पे समुद्र के राजा को कोई इज्जत नहीं दे रहे होते हैं स्ट्रॉ हैट्स पायरेट, लेकिन फिर भी ये लोग दावत लेने के लिए चले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है जो क्रू हेडी जोन से भाग रहा होता है उसका सामना हेडी जोन से हो जाता है, और हेडी जोन उनकी धज्जियां उड़ा देता है, क्योंकि दोस्तों वो जो कैप्सूल होती है वो उन्हें बहुत ज्यादा पावर देती है। वो कैप्सूल नॉर्मल आदमी से 20 गुना ज्यादा पावर दे देती है एक आम इंसान को, और भाई पानी के अंदर वो तबाही मचा देती है। लेकिन दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, और वो साइड इफेक्ट ये होता है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी, जो एक इंसान नॉर्मल जिंदगी जीता है उससे कम जिएगा। अब क्या होता है, बैरल खुलती है और कारीबाओ बाहर निकल के आता है। कारीबाओ जैसे ही बाहर आता है तो वहां पे तीन मरमेड होती हैं, और वो उन तीनों को किडनैप कर लेता है। तभी दोस्तों क्या होता है, कुछ मरमेड इनकी चिल्लाने की आवाज सुनती हैं। अब ये लोग जाती हैं सोल्जर्स के पास, वहां पे जाके रिपोर्ट लिखवाती है कि हमने कुछ मरमेड्स की चिल्लाने की आवाज सुनी है। इधर दोस्तों क्या होता है कि जो मैडम शार्ली होती है उनकी प्रिडिक्शन सुन के जो प्रिंस होते हैं उन्हें लगता है कि अब जो लूफी है ये काम लूफी का है, ये काम स्ट्रॉ हैट्स का ही है। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी लोग अब पहुंच रहे होते हैं नेपट्यून के घर पे। जब ये लोग पहुंच रहे होते हैं तो रास्ते में नेपट्यून बोलते हैं कि तुम चिंता मत दो, हमने तुम्हारे एक दोस्त को भी इन्विटेशन भेज दिया है, या फिर बोलो कि हमने उसे ले लिया है, दावत चल रही है, वो खा पी रहा है और आराम से सो रहा है, और उसका नाम है जोरी। भाई ये सुन के मेरी हंसी छूट जाती है, सबकी छूट गई होगी जहां तक है।
तो अब क्या होता है, लूफी पूछता है नामी से, क्या तो नामी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि और हमारे दोस्त कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नामी बताती है कि फ्रेंकी ढूंढने गए हैं टॉम के परिवार को, क्योंकि टॉम फिशमैन आइलैंड के थे तो शायद वहाँ पे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिल सकते हैं। इधर जो निको रॉबिन होती है वो पॉनी ग्लिप ढूंढने के लिए निकल जाती है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में ढूंढने निकल जाती है। अब लूफी लोग पहुँच जाते हैं नेपट्यून के घर पर, और नेपट्यून के घर में भाई ज़बरदस्त इन्हें दावत तो मिलती नहीं है, डांट पड़ रही होती है नेपट्यून को, बस जो उसके मंत्री होते हैं वो डांट रहे होते हैं कि आप कहीं भी निकल जाते हैं, कहीं भी कैसे भी निकल जाते हो, आप लोग देख रहे हो कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं, नहीं आप अकेले ही घूमने निकल जाते हो बिना सोल्जर्स के। इधर लूफी को खाने की खुशबू आती है तो लूफी वहाँ से निकल जाता है और वह पहुँच जाता है शेरा उसी के कमरे में जो कि प्रिंसेस होती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।